राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सीता की खोज भाग 1। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि राम वन में सीता और लक्ष्मण के साथ अपना तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तभी रावण अपनी बहन शूर्पनखा के अपमान का बदला लेने के लिए एक माया की रचना करता है और सोने का हिरण वन में भेजता है। राम सीता के कहने पर हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए वहीं रह जाते हैं। तभी राम की करुण आवाज सुनकर लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं और रावण सीता का हरण कर लेता है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वो छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा? यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी? कुटी छोड़कर आने पर वो लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। लक्ष्मण, देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया। भ्राते, उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका। कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी।
मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे, कुटिया में जाकर देखा। सीते, 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 पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता ना था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे, सीते, सीते, सीते। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे। सीते, 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 सीते। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए, उससे पूछा, हे गोदावरी, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टाने नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है, कुटिया के पास, अभी भाग कर पेड़ के पीछे छिप गई हैं उन्हें खिजाने के लिए।
सीता को कहीं देखा है। सीते राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। सीते राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, सीते मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। नहीं लक्ष्मण, नहीं भ्राता, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, यहीं। सीते भ्राता, भ्राता आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। सीते इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे लक्ष्मण, फिर जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हाँ भ्राता, हाँ। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। हा प्रिय प्रिय सीते 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 सीते। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया। हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए, हिरण उसी ओर गए हैं। हाँ आओ चलिए भ्राता। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहां संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, ये पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वीणी में गूंथ रखा था। सीते निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। ये माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूट कर गिरी होगी। हाँ। पर ये रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से ये नहीं टूट सकता।
अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहू लुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार पक्षीराज, सीता को रावण उठा ले गया है। क्या? मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला। पक्षीराज, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। पक्षीराज, रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। पक्षीराज, 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 सीते, सीते। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, नीरज शर्मा, बी एल टंडन, शांति एस कालरा, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सीता की खोज भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि रावण सीता का हरण करके लंका में चला जाता है। इधर राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए पक्षीराज जटायु तक पहुंच जाते हैं, जो घायल अवस्था में वन में पड़े हैं। उन्हें रावण ने तब घायल किया था जब जटायुराज ने सीता को बचाने का प्रयास किया था। जटायुराज राम को बताते हैं कि रावण सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर गया है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी।